नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दशहरे का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र के खत्म होने के बाद आने वाली दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 19 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन को लेकर कई मान्यताएं और कई कहानियां भी हैं। माना जाता है कि इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, इससे श्रद्धालुओं को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दशहरे के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। दशहरे के दिन एक मुट्ठी साबुत उड़द हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में रखकर 11 बार परिक्रमा करें। इस परिक्रमा के समय अपने मन में उस मनोकामना का भी ध्यान करें जिसकी पूर्ति आप हनुमान जी से चाहते हैं। परिक्रमा होने पर स्वयं हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपनी मनोकामना कहें, फिर उस उड़द में से एक दाना लेकर घर लौट आएं और घर के मंदिर में रख दें। दशहरे के दिन हनुमान जी को एक पान विशेष रूप से चढ़ाएं। इस पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डालें। पान बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना या सुपारी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद ये पान हनुमान जी को अर्पण करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें, हे हनुमान जी, आपको मैं ये मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दशहरे के दिन एक और उपाय करके हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है। ये उपाय बहुत सरल है। दशहरे के दिन हनुमान जी के आगे सरसों के तेल और घी का दीपक जलाएं, साथ ही विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा सुपारी आदि मुख शुद्धि की सामग्री लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। मनोकामना की पूर्ति के अलावा हनुमान जी से यदि किसी संकट को हरने के लिए कहना चाहते हैं तो ये भी एक उपाय से संभव है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी बात का कोई संकट है तो इसे हनुमान जी हटा सकते हैं। इससे आपके ऊपर चल रही आपदा जल्द ही दूर हो जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।